हेलो गाइस, हम फिर से आ गए। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 4, जिसमें हम अलग अलग मिल्क प्रोडक्ट्स की परसेंटेजेस ऑफ फैट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम एक निमोनिक टेक्निक बताई थी, जिसमें हमने करा था कि फास्ट तोड़ो स्कीम, ओके, जिसमें हमने ये वाली चीज़ पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था फास्ट से हमारे पास फुल मिल्क था, इससे स्टैंडर्डाइज मिल्क था, इससे टोंड मिल्क था, इससे था डबल टोन, इसके था स्किम्ड मिल्क। ओके, ऐसे ही कुछ ट्रिक्स मैंने बताई हुई हैं। अगर आप ये लेक्चर अभी देख रहे हैं तो आप प्लीज़ जाके लेक्चर 1 से देखिए, ये लेक्चर 2 और 3 अप्रॉक्सीमेटली 2 में होगा। ओके, सो परसेंटेजेस में होगा ये। सो अभी हम देखने वाले हैं जो मिल्क के और प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे हमारे पास आइसक्रीम है, खोआ है, क्रीम है, बटर है, ठीक है ना। तो इनके बारे में जो इनके जो परसेंटेजेस हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, उसमें कितनी कितनी फैट परसेंटेज रेशियो है। अब देखिए, बहुत बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि वो काफ़ी सारे पेपर्स में आता है ये वाली जो फैट परसेंटेज है, वो तो देखी ही जाती है। ओके, सो हम शुरू करते हैं, नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं, उसमें बना लेते हैं एक बार अच्छे से, एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं, लेट मी सी दिस, एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं हम। सो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे फैट ड्रॉ कर लिए, अब यहाँ पे चलते हैं हम, ऐसे देखते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे वन देखते हैं, सबसे पहले मैं पुराने वाला बता देता हूँ आपको, चलिए वो मिल्क वाला बता देता हूँ, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले हमने क्या करा था, हमने सबसे पहले करा था सिंपल मिल्क, ओके, फुल मिल्क, जो फुल क्रीम मिल्क होता है ना वो वाला, तो फुल क्रीम मिल्क होता है। मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पर ट्रिक बता दूंगा, फुल क्रीम मिल्क जो होता है उसको हम 6 से याद करेंगे, ओके, 6, ठीक है, क्योंकि एक बॉक्स होता है जो उसमें 6 किनारे होते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखिए, एक बॉक्स में जिसमें रखा हुआ है 6 डब्बे होते हैं, तो जो फुल क्रीम होगा वो 6 होगा, ठीक है। अब जो स्टैंडर्डाइज मिल्क होगा, स्टैंडर्डाइज मिल्क होगा वो उसमें से 6 में से 1.5 कम होगा, इट मीन्स यहाँ पे वो 4.5 के अराउंड होगा, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा टोंड मिल्क, ओके, जो टोंड मिल्क होगा वो फिर से 1.5 कम होगा, तो इट मीन्स वो 3 होगा। अब नेक्स्ट होगा डबल टोंड मिल्क, डबल टोंड जो मिल्क होगा वो भी अगेन इससे 1.5 कम होगा, इट मीन्स वो कुछ अराउंड 1.5 के अराउंड होगा। अब जो लास्ट होगा स्किम्ड मिल्क, वो भी क्या होगा, इससे 1.5 कम होगा, अराउंड वो 0 के पास होगा, ठीक है, या 0.5 के पास होगा, इसके पास होता है। तो ये तो एक ट्रिक मैंने आपको लास्ट टाइम बतानी थी, मैं बता नहीं पाया, पर अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 1.5 1.5 कम होते जाता है। ओके, सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। सो नेक्स्ट वन इज हमारे पास है, सबसे पहले जो हम चीज़ यूज करेंगे वो होगी आइसक्रीम, आइसक्रीम, ठीक है, ये मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ परसेंटेजेस ऑफ फैट, ठीक है, परसेंटेज ऑफ फैट, तो फैट की परसेंटेजेस मैं यहाँ पे देखूंगा। सबसे पहले देखते हैं हम आइसक्रीम। अब जो आइसक्रीम होती है उसमें कितनी परसेंटेज फैट होती है, आइसक्रीम आपकी आइसक्रीम में सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ फैट होती है, दिस इज टू मच। और आइसक्रीम एक खुद में ही एक बहुत अच्छा फूड पैकेज माना जा सकता है, ठीक है, उसमें सब कुछ होता है। सो आइसक्रीम जो होती है उसमें 10% फैट होती है, ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है खोया, ओके, दिस इज खोया, खोया जो होता है उसमें अराउंड 20% हमारे पास फैट होती है, मैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में रख रहा हूँ, ओके, तो इससे जिससे आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वन आता है क्रीम में, जो होती है कैन क्रीम, जो स्टरलाइज कर जाती है, जो कैन क्रीम होती है ना उसके बारे में बात कर रखी है, जो कैन क्रीम होती है उसमें भी कितना होता है, 20% हमारे पास फैट होती है, ओके। सो द नेक्स्ट वन इज हमारे पास आती है मिल्क क्रीम, जो हम मिल्क में से क्रीम निकालते हैं ना उसमें से, उसमें अब अराउंड होती इतनी है, बस थोड़ी सी से ज़्यादा कैन में थोड़ी सी कम कर ली जाती है, तो ये होती है अराउंड 25% के पास, ठीक है। और मिल्क के बाद हमारे पास क्या आती है, फ्रोज़न क्रीम। अब जो फ्रोज़न क्रीम होती है उसमें, अब याद रखिए, जब भी फ्रोज़न क्रीम होती है उसकी परसेंटेज बाकी सब की परसेंटेज से ज़्यादा होती है, अराउंड 40% के पास होता है, 40% के पास। और अगर मैं आपको बताऊँ व्हिप्ड क्रीम, तो ये भी कुछ सेम सही है, व्हिप्ड क्रीम और ये दोनों सेम सही है, इसमें भी कितना परसेंटेज होती है, 45% के अराउंड होता है, ओके। और फिर आती है क्रीम मिल्क, ओके, फ्रूट मिल्क कह लीजिए आप, फ्रूट क्रीम कह लीजिए, ठीक है, फ्रूट क्रीम, तो फ्रूट क्रीम भी यही होती है, फ्रूट क्रीम में भी अराउंड 40 to 45% ही हमारे पास फैट रेशो होती है। एंड लास्ट वन इज हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, टेबल बटर, जो आप घर में बटर खाते हैं उसमें होता है 80% ऑफ फैट, 80% ऑफ फैट। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि इन सबको आप याद कैसे करेंगे, ओके, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली जो मैंने लास्ट टाइम आपको निमोनिक टेक्निक बताई थी उससे वो वाली चीज़ें याद करनी ईजी है, पर
पर अभी अगर आप ये याद करना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि इसमें आप अगर कुछ कल से कुछ अलग से आप कोई परसेंटेज याद ऐड करना चाहें, अप्रॉक्सीमेटली जो पेपर्स में एग्जाम में आती हैं वो मैंने अभी ऐड कर दी हैं, बट या सोच लीजिए कि अगर बाई चांस आपको कोई और परसेंटेज ऑफ फैट आपको ऐड करनी है तो आप कैसे करें, तो इसके लिए भी एक छोटी सी निमोनिक टेक्निक हम आपको बताएंगे, ठीक है। एक छोटी सी स्टोरी आप सुनेंगे, तो इसके लिए हम एक स्टोरी याद करेंगे। देखिए आप जस्ट समझिए इस चीज़ को, आपने क्या करा है कि आपने आइसक्रीम खानी, ओके, आप एक आइसक्रीम खाओ, ओके, ये आइसक्रीम होती है ऐसे कुछ, आइसक्रीम खाओ एक कैन भर के, ठीक है ना, एक कैन ले लीजिए उसमें आइसक्रीम भर लीजिए, पूरी आइसक्रीम भर लीजिए। आइसक्रीम खाने की नई टेक्निक बता रहा हूँ आपको मैं, पूरे कैन भर लीजिए, पूरे कैन, ठीक है ना। अब इसमें ना ऐसे 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 छेद कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करिए, कैन को आइसक्रीम से भर दिया, आइसक्रीम खाओ कैन भर के, उसमें आप थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल दीजिए, ठीक है, उसका टेक्स्चर आएगा, मिल्क डाल दिया आपने, जब आपने मिल्क डाल दिया तो आप उसे अभी खाइएगा मत, आप उसको कर दीजिए फ्रीज़र में फ्रीज, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जो मिल्क होगा वो कुछ कुछ जमना शुरू हो जाएगा, बीच में ऐसे ऐसे थोड़ा सा हार्ड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। जब वो ऐसे हार्ड होना शुरू हो जाएगा तो आप उसको निकाल लीजिए, निकालने के बाद आप क्या करिए, उसके बीच में जहाँ जहाँ से वो हार्ड हुआ था वहाँ पर डाल दीजिए थोड़ी थोड़ी व्हिप्ड क्रीम, और उसके ऊपर लगा दीजिए छोटे 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 फ्रूट, और फिर खाइए, ठीक है। तो अभी हमने क्या समझा, अभी हमने सबसे पहला कि आइसक्रीम खाइए, आइसक्रीम खाओ, ठीक है, आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम खाओ बट कैन में डाल के। अभी यहाँ से मैंने आपको बताया 10 है, उसके बाद और 10 बढ़ा दो, ये तो दोनों सेम ही रहने वाले हैं, ठीक है ना, ये तो दोनों सेम ही रहने वाले हैं। तो आइसक्रीम खाओ कैन में डाल के, फिर उसके बीच में छेद करके मिल्क डाल दो, ठीक है, जो 25 राउंड के पास आ जाएगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, मिल्क डाल दो और उसे जमाने के लिए रख दो, फ्रोजन करने के लिए रख दो, ठीक है। यहाँ से तो सभी सेम आने वाले हैं, फ्रीज करने के लिए रख दो, फ्रीज करने के बाद जब उसे निकालेंगे तो उसमें क्या डालेंगे, व्हिप्ड क्रीम डालेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे आप उसमें आप फ्रूट डाल देंगे, ठीक है ना, फ्रूट क्रीम डाल देंगे। इसमें तो आप 40-40 ही याद रखेंगे, सारे के सारे को सेम सारे मेंबर कर लेना है, ठीक है ना। तो लास्ट में क्या करते हैं, हम बटर डाल देते हैं, कितने परसेंट, 80% बटर डाल देते हैं, और इस तरह से हमें सारे की सारी फैट परसेंटेजेस याद हो जाते हैं। दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेंगे, आइसक्रीम खाओ कैन में डाल के छेद करके मिल्क डाल दो, ठीक है, उसमें फिर क्या करो, उसको फ्रीज कर दो और व्हिप्ड क्रीम डालो, फ्रूट डालो और खा लो। टेबल बटर तो आपको ऐसे ही याद हो जाता है कि वो 80% होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होता है, ओके। तो आइसक्रीम से 10% से शुरू करेंगे, 10 आइसक्रीम, और आइसक्रीम से खोआ डबल हो जाता है, ठीक है, खोए और कैन क्रीम में दोनों सेम होंगे, उसके बाद मिल्क में 5 बढ़ेगा और बाकी सब के सब 40 के पास होंगे, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, आइसक्रीम खाओ कैन में डाल के, उसमें बीच में छेद करके मिल्क डाल दो और उसको जमा दो, जमने के बाद उसमें आप व्हिप्ड क्रीम लगाओ और ऊपर से फ्रूट क्रीम रख के उसको खा लो, ठीक है। तो इस तरह से ये बड़े ही इजी वे से आपको सारे के सारी परसेंटेजेस, और जितनी सारी की सारी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट जो परसेंटेजेस होनी चाहिए थी आपको याद, वो सब भी की सभी याद हो जाएंगे। तो आप बड़े ध्यान से देखिए, एक बार लिख के देखिए, मेरे हिसाब से आपको सारी की सारी अच्छे से याद हुई होनी चाहिए। इसके साथ मैं आपको कुछ छोटी सी चीज़ें आप बता देता हूँ, जो मेरे को लगता है कि आप इस लेक्चर में अंदाज कर सकते हैं, कि अगर यहाँ पे होता है पेस्टिसाइड टॉलरेंस, ये भी आप सुन लीजिए, पेस्टिसाइड टॉलरेंस, ये चीज़ आपको याद रखनी है थोड़ी सी, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो बाहर पेस्टिसाइड्स होते हैं उनकी टॉलरेंस के बारे में। अब जो मैक्सिमम पेस्टिसाइड्स होते हैं ना, मैक्सिमम पेस्टिसाइड्स मतलब जो मैक्सिमम पेस्टिसाइड्स की टॉलरेंस होती है वो DDT से होती है, ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि वो DDT को तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा टॉलरेट होता है, इससे सबसे ज़्यादा डेथ हो सकती है उनकी, और जो सबसे कम होगा वो होगा क्लोरीन और फाई नाइट्रोथिन, ठीक है। अब छोटी सी याद रखिएगा, अगर आप कोई भी कंप्यूट जा रहे हैं और उसमें अगर आपको पेस्टिसाइड्स के बारे में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा अच्छा पेस्टिसाइड कौन सा, सबसे ज़्यादा बुरे कम वीक पेस्टिसाइड्स कौन से हैं, तो ये आपको दो चीज़ें हेल्प करें, ठीक है, दीज आर द फर्दर, ठीक है। तो बाकी देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करने जा रहे हैं टेस्ट ऑफ अडल्ट्रेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा टेस्ट ऑफ अडल्ट्रेशन। आपको एक अडल्ट्रेशन पता होना चाहिए कि कौन सी अडल्ट्रेशन को कैसे चेक करते हैं और किस तरह से चेक करा जाता है। कुछ नहीं पता तो जस्ट उसके नेम तो आपको याद होने ही चाहिए, हर पेपर में आपको नेम तो पूछे ही जाते हैं, ओके। सो अभी हमने ये देखा है, हमने परसेंटेज ऑफ फैट मिल्क कर लिया है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ एक बार, जस्ट लास्ट टाइम, फिर उसके बाद हम बस करते हैं। आइसक्रीम खाइए कैन में डाल के, उसमें छेद करके मिल्क डालिए, उसको फ्रीज कर दिए, व्हिप्ड क्रीम डालिए और फ्रूट डाल के खा जाइए, ठीक है। आइसक्रीम 10%, कोवर कैन क्रीम 20%, मिल्क क्रीम, फ्रोजन क्रीम और व्हिप्ड क्रीम, मिल्क क्रीम 25%, फ्रोजन व्हिप्ड फ्रूट इज
40-40%, ओके अराउंड 40-40%, ठीक है। सो ऐसे हम लेक्चर को खत्म कर रहे हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टेस्ट ऑफ अडल्ट्रेशन। ओके, थैंक यू।